करीब दो वर्ष पूर्व ब्यावर से ओमान नौकरी करने गया ब्यावर की जटिया कॉलोनी निवासी अजय जूनवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा ब्यावर जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद रविवार को सकुशल ब्यावर लौट आया है। युवक अजय जूनवाल के सकुशल ब्यावर लौटने पर परिवारजनों ने उसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आसपास के लोग भी अजय के घर पहुंचे और अजय से मिलकर उसका मुंह मीठा कराते हुए उपस्थित सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा जिला कलेक्टर उत्सव कौशल का आभार जताया है। प्रशासन का आभार जताते हुए अजय जूनवाल की आंख झलक गई। आपको बता दें कि ब्यावर की जटिया कॉलोनी निवासी अजय पुत्र राजेंद्र जूनवाल 2021 में अजमेर निवासी एजेंट विजय कुमार शर्मा के मार्फत ओमान में नौकरी करने के लिए गया था। अजय को जयपुर निवासी सुनील मनकानी के यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा गया था। अजय का आरोप था कि शुरुआती दिनों में तो ओमान में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन शीघ्र ही वहाँ का माहौल बदल गया। 8 घंटे की नौकरी की जगह 12 से 14 घंटे काम लिया जाने लगा। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और तो और वापस भारत आने की बात कहने पर नौकरी से निकालने की धमकियां मालिक द्वारा दी जाने लगी। ऐसे में ओमान से एक वीडियो जारी कर पीड़ित अजय ने बताया था कि काम पसंद नहीं आने पर जब उसने वापस देश आने की बात कही तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और 2 साल की नौकरी की पगार भी उसे नहीं दी गई। अजय का आरोप है कि तबीयत खराब होने की स्थिति में मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है, उसका लेबर कार्ड तक नहीं बनाया गया है। विजय ने ब्यावर जिला प्रशासन से इस प्रकरण में उसकी मदद करने तथा वापस देश लाने में उसकी सहायता करने की गुहार की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके बाद रविवार को अजय जूनवाल प्रशासन के प्रयासों से सकुशल ब्यावर लौट आया। मैं ओमान गया था अजमेर से, मेरे को एजेंट ने भेजा था विजय कुमार शर्मा ने। ओमान जाने के बाद में अभी मैंने सोशल मीडिया में आपको पता हाल ही में वीडियो डाली थी, अभी मैं ब्यावर मेरे घर पे आ चुका हूँ। तो सभी प्रशासन और मीडिया का धन्यवाद। मेरे को वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया गया है। मेरे को एयरपोर्ट बुलाया गया था 9 तारीख को, फिर एयरपोर्ट बुला के मेरे से जबरदस्ती कागज पे साइन करवाया गया, मेरे से वीडियो जबरदस्ती बनवाई गई। मैं वीडियो जब तक नहीं बना रहा था, वहाँ का जो जुर्माना है, फ्लाइट का जुर्माना है, जो भी एयरपोर्ट का जुर्माना है, लेबर कार्ड वहाँ का जो बनता उसका जुर्माना है, वो लोग नहीं बन रहे थे जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मेरे को टॉर्चर करके बहुत ही इल्लीगली तरीके से मेरे पास वीडियो बनाई है, बनवाई गई है और कागज पे साइन करवाया गया है। मुझे 2 साल की सैलरी नहीं मिली है, 1,15,000 उन लोगों ने सिर्फ मुझे दिया है। मेरा तकरीबन 3 लाख रुपये समथिंग बाकी था, 2,66,000 कुछ रुपये बाकी था, तो उन लोगों ने नहीं दिया है। मैं सभी प्रशासन का और मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो कि ओमान में ओम प्रकाश जी दरियानी साहब है जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आज वो नहीं होते तो मैं यहां पर नहीं होता, प्रशासन और मीडिया नहीं होता तो आज मैं यहां पर नहीं होता। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और मैं प्रशासन और मीडिया से यही उम्मीद करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए लीगली तरीके से। वहां पे और भी लोग फंसे हुए हैं और मेरा जो भी हो सकता है, मुझे मेरा सारा मुआवजा है वो मिलना चाहिए। जो मेरी मेहनत की कमाई है वो मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो भी है मुझे मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। और मीडिया से भी धन्यवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों की वजह से यहाँ पर पहुंचा हूँ। इन्होंने मेरे साथ बहुत इनलीगली तरीके से टॉर्चर करके बहुत वीडियो बनवाई है, पेपर पे साइन भी करवाए हैं, फिर मैंने ये सब मैंने मीडिया को वीडियो भी दी थी एक वहां पर एयरपोर्ट से भी। तो आपको अभी भी मैं प्रशासन से धन्यवाद करता हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, और मेरा जो भी है हिसाब और जो भी मेरा जो भी बाकी है मेरी मेहनत का, वो मुझे मिलना चाहिए। धन्यवाद।